वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के राजभवन मार्च पर जेडीयू प्रवक्ता सोहेली मेहता ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 70 सालों में कांग्रेस ने किसानों के साथ जो किया है वो किसी से छुपा नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार हमेशा किसानों के उत्थान के लिए सोचती है। कृषि कानूनों से किसानों के हालात में सुधार होगा। पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा किसानों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। कोरोना की वजह से भी हालात गड़बड़ाए हैं। देश के उत्थान में कांग्रेस को साथ देना चाहिए, न कि बेकार की राजनीति करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस को पहले कृषि बिल की जानकारी ले लेनी चाहिए। 70 साल के शासन काल में किसानों की स्थिति कितनी बदतर हो गई है इसकी इनको जानकारी नहीं है। और केंद्र सरकार अगर अन्नदाता की स्थिति में सुधार लाना चाह रही है नई कृषि बिल के माध्यम से, तो इस पर ये राजनीति कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ने की जहां तक बात है, तो ये एक ग्लोबल इफेक्ट है, इसकी जानकारी भी कांग्रेस को होनी चाहिए। और साथ ही कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था चरमराई है, इस अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, सुधारने के लिए अगर केंद्र सरकार कुछ मेजर लेती है तो ये स्वाभाविक सी बात है। इस पर हर बात में राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, देश के विकास में उन्हें भी सहयोग करना चाहिए।